ह्यूमन का हमेशा अपने पेट के साथ एक इमोशन कनेक्टेड होता है, और वैसे इन सभी पेट रिलेटेड फिल्में हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो सच में ऐसे ही एनिमल हाइलाइटेड फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप हो पेट लवर तो वीडियो शुरू से तक से देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन, दिल धड़कने दो। और ऐसे कोई फिल्म पर नहीं हुआ है जहाँ पर एक डॉग पूरे फिल्म को नैरेट करते हैं, पर ये देखने को मिला है दिल धड़कने दो फिल्म पर, जहाँ पर प्रियंका, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह लीड रोल में नजर था। पर इसमें मेन हाईलाइट पार्ट था इस फिल्म का डॉग प्लूटो मेहरा। नंबर टू, ट्रिपल आर टाइगर। और सभी जानते हैं कि ट्रिपल आर पे जूनियर एंटर का एंट्री एक टाइगर के साथ होता है, और इसी टाइगर के साथ उनका फाइटिंग अभी तक की सारी इंडियन फिल्म के बीच में सबसे तगड़ा एंट्री सीन रहा। और जैसे एंट्री वैसे ही एंटर को टाइगर की तरह एक इंटेंस एफ्टर में पूरे फिल्म पे दिखी गई है। नंबर थ्री, 777 चार्ली डॉग। और पूरे फिल्म पे चार्ली रहा हाईलाइटेड पार्ट, और एक डॉग का ऐसे एक्सप्रेशन देना और कैरेक्टर में घुस जाना वाकई ही कमाल का बात है। और ये रहा एक हार्ट वार्मिंग फिल्म, और जो फिल्म देखकर हर कोई इमोशनल हो गई है। और अतः दोस्तों, अगर आप एक पेट लवर हो तो एक मस्ट वॉच फिल्म है, और जो बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। नंबर फोर, मैंने प्यार किया कबूतर। पूरे गाना कबूतर बेस्ड है, और वैसे हुआ है मैंने प्यार किया फिल्म पे, जहाँ पर भाग्यश्री ने अपने लव लेटर भेजते हैं सलमान के पास इसी कबूतर के दौरान। और बताए दोस्तों, ये कबूतर सिर्फ गाना नहीं बल्कि क्लाइमेक्स पर भी विलेन से फाइटिंग करते हैं। नंबर फाइव, ईगा माखी। और एक माखी देकर पूरे फिल्म बनाना सिर्फ और सिर्फ राजामौली सब का दौरान पॉसिबल है, और वो भी बॉक्स ऑफिस पे भी तोड़कर कमाई किया है ये ईगा फिल्म। बेसिकली इसमें रियल माखी नहीं बल्कि इसमें कंप्यूटर ग्राफिक यूज की गई है। नंबर सिक्स, काला डॉग। जहाँ पर डायरेक्टर पा रंजीत ने अपने फिल्म काला के लिए लगभग 30 डॉग्स के बीच में ऑडिशन किया था, और जिसमें सिलेक्ट हुआ था मानी, और जो फिल्म पर थलाइवर रजनीकांत का पेट था। और फिल्म रिलीज होने के बाद रजनी का फैंस ने इसी डॉग को 2 करोड़ में खरीदने की कोशिश भी किया था दोस्तों। नंबर सेवन, लाइफ ऑफ पाई टाइगर। और जहाँ पर पूरे फिल्म टाइगर रिचर्ड पार्कर और एक लड़का पाई के ऊपर बेस्ड था, कंप्यूटर दौरान टाइगर को दिखाई गई है। पर जो भी हो, ये टाइगर आपको डराते भी है, गुस्सा भी दिलाते हैं, और साथ में इमोशनल भी बना देते हैं। नंबर एट, वदी वसल। डेटा वेट्री मारान और मारा सूर्या का कामी फिल्म है वदी वसल, जहाँ पर तमिलनाडु का फेमस स्पोर्ट जल्लीकट्टू स्टोरी को दिखाया जाएगा, और इस पे मारा सूर्या को बुल फाइटिंग पे नजर आएंगे। नंबर नाइन, अर्जुन रेड्डी डॉग। और सेंसेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म है अर्जुन रेड्डी, जहाँ पर एक प्यारा सा डॉग नजर आई है, और जो ऑल टाइम एल्कोहलिक अर्जुन रेड्डी को साथ दिया है। नंबर टेन, मैं प्रेम की दीवानी हूँ पैरोट। और जहाँ पर इस फिल्म पर आइकॉनिक कैरेक्टर रहा पैरोट, जहाँ पर ये रियल पैरोट नहीं है बल्कि कंप्यूटर यूज की गई है, फिर भी उनका लाउड और ड्रामेटिक डायलॉग सबका दिल जीत लिया था। नंबर 11, मारी कबूतर। 2015 में धनुष राजा की फिल्म आई मारी, मारी का कबूतर रेसिंग से जुड़ा कर दिखाई है, और जो फैंस का दिल भी जीता है, और साथ में ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई है। नंबर 12, पुली मुरुगन टाइगर। और जब पर यह रहा मलयालम वन ऑफ द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, और इसमें कॉमेडी एक्टर मोहनलाल के साथ एक टाइगर का वंडरफुल फाइटिंग सीन नजर आई है। नंबर 13, एंटरटेनमेंट। और जब पर एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर गोल्डन रिट्राइवर के साथ बॉलीवुड का खिलाड़ी आकी का स्टेप ब्रदर का रिलेशन होता है था दोस्तों, और दोनों के बीच में चलता है कॉन्फ्लिक्ट कॉमेडी ट्विस्ट। नंबर 14, विक्रांत रोना एलिफेंट। और जहाँ पर यह है सैंडलवुड का बादशाह कीचा सुदीप का पैन इंडियन अपकमिंग फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर फिल्म। और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 40 ईयर का एक एलिफेंट राघुराम को एक गाना पे नजर आएंगे, और एक ही सीन पे सुदीप का हाथ के साथ डांस मूव्स देखना काफी दिलचस्प होगा। नंबर 15, जल्लीकट्टू। और 2019 में मलयालम का एक्शन फिल्म आई, और ये फिल्म मैन वर्सेस वाइल्ड तरीके का फिल्म है, जो ऑस्कर नॉमिनेशन तक भी गया था, और इसमें बुल के पीछे लोगों का एफोर्ट वाला सीन एक गूज बम्प रहा। नंबर 16, हम आपके है कौन। क्लासिकल फैमिली ड्रामा फिल्म है ये, और जहाँ पर एक लेजेंडरी डॉग टफी को नजर आई है, जहाँ पर टफी का क्रिकेट मैच पर अंपायरिंग करना
लास्ट सीन पर भाइयों सलमान के साथ माधुरी को रिन्यूट करना ऐसे कैसरी सीन देकर टाफी को की गई है हाईलाइट। नंबर 17 गाजा शेखरी एलिफेंट। जब 2014 में कनाडा का हिस्ट्रिकल एक्शन फिल्म आई और वाइल्ड लाइफ पर यश के साथ हाथी का इस तरह का कनेक्शन फिल्म को काफी यूनिक बनाई है। नंबर 19 पड़ावा और मलयालम का ये फिल्म कबूतर पर बेस्ड है। और बता दोस्तों जहाँ पर इसमें कबूतर का टेमिंग को दिखाई है और इस फिल्म पर जो फाइटिंग दिखाई है वो भी इसी कबूतर की वजह से। नंबर 20 कूली। ईगल को की गई है हाईलाइट और जहाँ पर यह फिल्म उस वक्त का ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रहा और इसी ईगल ही बिग बी को विलन के हाथों से भी बचाता है। नंबर 21 कदन। और 2021 का राणा दग्गुबाती का ये ड्रामा फिल्म रहा जहाँ पर बुम्मान के साथ एक एलिफेंट मानिकम का प्यार को दिखाई है। नंबर 22 गोरिल्ला। और ये 2019 का रहा हिस्ट फिल्म जहाँ पर एक रियल लाइफ गोरिल्ला के साथ जीवा का कहानी को दिखाई है और इसमें गोरिल्ला का कास्ट करना वाकई ही चैलेंजिंग था। नंबर 23 जंगल। और ये रहा विद्युत जमाल के साथ एक एलिफेंट का फ्रेंडशिप वाला कहानी। नंबर 24 मृगा। और ये मेगास्टर मामूत्ती का ट्रेजिक फिल्म है जहाँ पर एक टाइगर के साथ मेगास्टर का कॉम्बिनेशन को दिखाई है। नंबर 25 हाथी मेरे साथी। और 1971 का ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा ये जहाँ पर राजेश खन्ना को एक हाथी के साथ जुड़ा कर दिखाई है। और बता दोस्तों इस फिल्म पर एलिफेंट ने प्ले किया है एक इम्पॉर्टेंट रोल। दोस्तों ये रहा इनर के कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जहाँ पर पेट को हाईलाइटेड करके दिखाई है। और इस लिस्ट पर कौन सी फिल्म रहा आपका फेवरेट कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साथ इन्हें अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।